हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और हम लोग पहुंच गए हैं आज के शूट के वेन्यू पे। और आज हमने प्लान किया था कि ब्राइड का हम थोड़ा सा दिन में अच्छा सा शूट करेंगे, लेकिन ब्राइड हमारी फंस गई है ट्रैफिक में। तो हम वेन्यू पे करीब हमें 2 घंटे हो गए बैठे हुए, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग जहाँ पर एक्चुअल फंक्शन होने वाला है, इसलिए हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम अंदर रूम में बैठे हुए थे, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और थोड़ा सा अभी क्योंकि डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक हम डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था, पॉसिबल था कि दिन की रोशनी में भी हमारे थोड़े कुछ अच्छे शॉट्स हो जाते हैं, और रात में तो हमारे शॉट्स होने ही थे, तो वो थोड़ा सा मिक्स में ट्राई कर रही थी। बाकी देखते हैं क्या हालात होते हैं, ब्राइट कितने बजे पहुंचती है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। एक बार सौरभ और हर्षिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखो, इमरजेंसी में आफत से बचने के लिए सब लोगों ने बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन अभी हमें वेडिंग फोटोग्राफर्स को कपड़े भी रखने पड़ेंगे कि हमें अभी समझ आए। इन भाई साहब ने अपनी पैंट फाड़ ली है स्टेज पे। मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं करा। और ये पलटो पलटो जरा, ये अपनी पैंट फाड़ के आए, और ये जरा देखा जाए। और अभी ये खड़े कि अभी दुल्हन के भाई से कह रहे हैं भाई कपड़े अरेंज करवा दो, पूरा फंक्शन इन्होंने बीच में रोक दिया है। तो अभी लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होती है। गीता मैडम अभी इसमें सेफ्टी बेल्ट लगाने वाली है। ये देखो हमारा बच्चा जिसकी अच्छा पिछले शूट में ये भाई साहब बेल्ट भूल गए थे, तो ये डेली पैंट पकड़ के इन्होंने पूरा शूट किया था। बेल्ट लेकर आया था और उसके बाद ये जाके बी शूट में जाके ये बेल्ट खरीद के लाया, जिसमें ये छेद नहीं करवाया। और अब की फिर गुड छेद करा था मैंने, छेद नहीं कर लिया था मैंने। इस बार भगवान ने ऑटोमेटिक छेद कर दिया। गीता येलो कलर के वो दे रही है छोटे छोटे सेफ्टी पिन, पता ना चले। ये बहुत ज्यादा पता लगनी है, अरे येलो नहीं है, गोल्डन कलर है। और उसको ना थोड़ा सा कपड़े को थोड़ा सा अंदर को दबाना, कपड़ा दबाना नहीं, और अंदर अंदर को खींचना पड़ेगा, खुल जाएगा। आज की हमारे इस ब्लॉग का खास अटेंशन मनीष की पैंट फटने के अलावा ये वीडियो स्पिनर है, जो कि सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी तो वही होता है ना, फोटो खींचने, सेल्फी लेने, बूमरैंग बनाने के अलावा कुछ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, और ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट भी कर रही हैं, स्पेशली वेडिंग्स में जहाँ सब अच्छे से तैयार होते हैं, मेकअप शेकअप करते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा फोटो वीडियो होता है और प्रॉपर की वर्टिकल वीडियो आता है। तो इसमें ये है ना कि आप अपना रील वगैरह लगा सकते हो। फिर भी एक तरह से देखा जाए कि फ़ोटो बूथ से ये काफ़ी नया अभी आ गया है। फ़ोटो बूथ में तो क्या हो गया कि अभी लोग वो प्रॉप्स वगैरह से इरिटेट होने लगे हैं कि वो प्रॉप्स पुराने टाइप के, भाई वो कोट्स लिखे हुए टाइप के, वो प्रॉप्स वगैरह मत रखो। तो अभी कुछ कुछ नया नया चीज़ें सबको चाहिए मार्केट में, तो दिस इज़ क्वाइट इन थिंग इन दिस वेडिंग इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम फोटो बूथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप वेडिंग में अपने करवा सकते हो फंक्शन में, कि लोगों ने खाना खा लिया स्टेज पे, फ़ोटो खिंचवा ली, बाकी लोगों से मिलजुल लिए, फ़ोटो खिंचा ली फ़ोटो बूथ पे, उसके बाद अब क्या करें। तो ये थोड़ा सा ना अटेंशन ग्रैब करता है लोगों को, थोड़ा सा इंगेज करता है, तो उसके लिए बड़ा सही है ये। वीडियो स्पिनर में फ़ोन का कैमरा और DSLR कैमरा, मतलब जिस कैमरा से आप फंक्शन शूट कर रहे हैं वो कैमरा, दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो ये अच्छा है कि हम क्लाइंट को और जो गेस्ट होते हैं उनको हम वो फ़ोन वाला फुटेज दे सकते हैं, जिसको वो इमीडिएटली अपना रील में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन शूट में आई ऑलवेज प्रिफर कि हम ब्राइड और ग्रूम के जो सोलो शॉट्स हैं और जो कपल शॉट्स हैं, वो हमेशा फंक्शन स्टार्ट होने से पहले कर लें, और फंक्शन के दौरान तो ये शॉट्स तो होते ही रहते हैं,
फंक्शन के एंड में आई ऑलवेज प्रिफर कि ना करना पड़े। इसका रीज़न ये होता है कि वो लोग थक चुके होते हैं और थकान उनके चेहरों पे दिखती है। और आज के शूट में भी हमारे साथ यही हुआ, बिकॉज ब्राइड लेट आई और इस वजह से ये सारा शूट हमें लास्ट में करना पड़ रहा है। तो बट इवन वी ऑल आर ट्राइंग आर बेस्ट कि जो आउटकम आए वो अच्छा है। हेलो जनता। हाँ भाई, इन भाई साहब को ध्यान से देखो जिनकी पैंट फट गया शूट पे। ये हाई शूट पे इनके साथ एक कांड होता है और काफी ही इज्जत की लंका लगाने वाला कांड होता है। तो कांड हो गया भाई, आपको फूल बेचने यार कैसी बात कर रहे हो। बेचारा उसकी क्या गलती हो, तो काम कर रहा है उसका जॉब। अब देखो अगले शूट पे इन भाई साहब के साथ क्या होता है और जो भी होएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो अभी के हाल चाल ये है कि हमारा शूट कंप्लीट हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं घर और बस फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।